नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुमराज में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। इस बार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पोस्ट को लेकर सियासी बवाल मच गया है। तहसीलदार अमिता सिंह ने इस पोस्ट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। तहसीलदार अमिता सिंह ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कैमरा सामने आते ही मुंह छिपाकर लंदन में दारू पी रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा कि वह देश पर राज करने का सपना देख रहे हैं। अमिता सिंह का ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तहसीलदार अमिता सिंह ने पोस्ट में लिखा कि प्रियंका गांधी कैमरा सामने आते ही मास्क से मुंह छिपाकर लंदन में दारू पी रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कोलकाता जाकर ममता से इंसाफ नहीं मांग सकती हूँ, परंतु मैं दारू पी सकती हूँ। इसी तरह खुलेआम नशा दारू बकरे और बीफ मांस खाने वाले दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल खान व वाड्रा परिवार 100 करोड़ हिंदुओं के देश पर राज करने का सपना पाले हुए हैं। कितनी बेशर्मी से हिंदुओं को जलील करते हैं, हिंसक बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, किंतु 70 साल से हम तुम इनके जाल और चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए हैं। पूरे भारत में इनके होर्डिंग लगने चाहिए। वहीं अमिता सिंह के पोस्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनको पद से हटाने की मांग की है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अरुण सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि यह अमिता सिंह तोमर है जो गुना जिले की कुमराज तहसील में तहसीलदार पद पर पदस्थ है, जिन्होंने बलिदानी परिवार की बेटी प्रियंका जी के खिलाफ अशोभनीय पोस्ट किया है। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस अशोभनीय पोस्ट को सिविल सेवा आचरण के अनुकूल मानते हैं? अगर नहीं तो इन्हें तत्काल हटाया जाए। तहसीलदार अमिता सिंह ने यह पोस्ट हालांकि फौरन डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। पोस्ट वायरल होने पर तहसीलदार अमिता सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली थी। उन्होंने कहा है कि किसी ने उनकी क्लोन आईडी बनाई है। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है। अमिता सिंह ने कहा कि जब उन्होंने चेक किया तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। अमिता सिंह ने कहा कि वह इस मामले में शिकायत साइबर सेल से करेंगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एमपी से।